जिग्नेश मेवानी के ऐलान से गुजरात में कांग्रेस को लगा जोर का झटका। कहा कांग्रेस तो क्या किसी भी पार्टी में नहीं होगा शामिल। गुजरात में कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सूबे के युवा तुर्कों के दम पर गुजरात की जंग फतह करने का सपना संजोने वाली कांग्रेस की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के नेता जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। गुजरात चुनाव को लेकर जिग्नेश मेवानी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। गुरुवार को जिग्नेश ने साफ कर दिया कि गुजरात चुनावों में वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब तक माना जा रहा था कि वो अपना समर्थन कांग्रेस को देंगे। ऐसी अटकलों को उस वक्त और बल मिल गया जब गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत से जिग्नेश की मुलाकात हुई थी। एक दिन पहले ही जब जिग्नेश दिल्ली आए थे तब भी उनके कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि खबर के सामने आने के तुरंत बाद ही उन्होंने इस तरह की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि कोई भी मुलाकात चोरी छुपे नहीं होगी। आपको बता दें कि गुजरात में करीब 7% दलित है। हाल ही में दलितों के साथ हुई घटना के बाद से दलित समुदाय में काफी नाराजगी है। कांग्रेस इसी नाराजगी को विधानसभा चुनाव में भूनना चाहती थी। कांग्रेस ने बकायदा जिग्नेश को साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन जिग्नेश ने जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले साथ आने से इनकार किया है उसे गुजरात चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।